सो इंजीनियर्स, ये जो पूरे पार्ट मैंने आपको बताया, मेन बार, डिस्ट्रीब्यूशन, बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन, टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार, टॉप एक्स्ट्रा बार, ये सारी डिटेल्स वन वे स्लैब में समझने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आइए हम चलते हैं इसका और आगे का पार्ट समझते हैं और इसके बारे में और स्पेसिफिकली डिटेल्स के बारे में डिटेल पे जानकारी लेते हैं। करना है खास तो चलो हमारे साथ, करना है खास तो चलो हमारे साथ, सिविल के बाद गुरु जी के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर आकाश बौर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सिविल गुरु जी द सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। आज का वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है कि आज मैं आपको डिटेल पे बताने वाला हूं वन वे स्लैब के रेनफोर्समेंट की प्लेसिंग, रेनफोर्समेंट की पोजिशनिंग के बारे में डिटेल्ड एनिमेशन के साथ। जैसा कि वीडियो इससे पहले आपने आज तक कभी यूट्यूब पे भी नहीं देखा होगा, आज उस वीडियो पे हम बात करेंगे डिटेल एनिमेशन के साथ वन वे स्लैब के रेनफोर्समेंट बार के प्लेसिंग के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अगर 1000 से ज्यादा लाइक्स मिलते हैं तो मैं आपके लिए इसका पूरा डिटेल पे बीबीएस का कैलकुलेशन भी लेके आऊंगा इसी यूट्यूब चैनल पर। और साथ ही साथ दोस्तों, बेल का आइकॉन जरूर दबाइए ताकि जो मैं आगे आपके लिए वीडियो लाने वाला हूं उसका लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए हमारा बीबीएसओ वन वे स्लैब का डिटेल पे। आज हम बात करेंगे रेनफोर्समेंट के प्लेसिंग और पोजिशनिंग के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हमको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो हमारा वन वे स्लैब है उसका पर्पस क्या है और वो वन वे स्लैब किस तरह से बनता है। तो सबसे पहले अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर स्टार्ट करूं कि जो मेरा स्लैब है, ये मैंने क्लियर स्पान लिया है, 2 मीटर इसका शॉर्टर स्पान है और 5 मीटर जो मेरा स्लैब है इसका लॉन्गर स्पान है, क्लियर है। जैसे ही मेरे पास स्पान पता चल जाता है, मेरे स्लैब का क्लियर स्पान, उसके बाद जो मुझे फॉर्मूला लगाना होता है, जो हमारा फॉर्मूला है जो वन वे और टू वे को डिफाइन करता है, वो है लॉन्गर स्पान डिवाइडेड बाय शॉर्टर स्पान। अगर इसकी वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा आती है तब वो हमारा कहलाता है वन वे स्लैब। इस पार्ट को हमको बहुत अच्छे से समझना है। नेक्स्ट जो पार्ट है, जब मैं इसका कैलकुलेशन करूं तो जो मुझे वैल्यूज यहां पर दिखेंगी, 5/2, लॉन्गर स्पान कितना है हमारा 5 मीटर, शॉर्टर स्पान कितना है हमारा 2 मीटर। जैसे ही मैं इसकी वैल्यू को देखता हूं तो आती है 2.25 मीटर। दैट मीन्स इसकी जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है 2.25, ये किससे बड़ी है, 2 से बड़ी है। दैट मीन्स ये हमारा कौन सा स्लैब हो गया, वन वे स्लैब हो गया। इस तरह से हम पहचानेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेशन, की कौन सा स्लैब है। जैसे ही हमें पता चल गया कि ये हमारा वन वे स्लैब है, अब इसमें हमको समझना है कि रेनफोर्समेंट की पोजिशनिंग किस तरह से होती है, क्लियर। उस पोजिशनिंग में जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर एक डायग्राम है वन वे स्लैब का, इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं। मैं आपको डिटेल पे बताऊं, यहां पर आप देखिए जो क्रैंक बार लगी हुई है इस वन वे स्लैब में, जो क्रैंक बार लगी हुई है ये सिर्फ एक डायरेक्शन के अलोंग लगी हुई है, क्लियर है, सिर्फ एक डायरेक्शन के अलोंग क्रैंक बार लगी हुई है। और इस डायरेक्शन में जो लॉन्गर डायरेक्शन में जो बार्स आ रही हैं वो एकदम स्ट्रेट आ रही है, आप यहां पर क्लियरली देख सकते हैं। वन वे स्लैब में हमेशा और हमेशा एक स्पान के अलोंग ही मेन बार आती हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर देखिए वन वे स्लैब है हमारा और ये सपोर्टेड किससे है, बीम से। अगर सिंपली सपोर्टेड स्लैब है तो वन वे स्लैब में सिर्फ 2 तरफ ही हमारा सपोर्ट आता है जो कि उसकी लॉन्गर बीम्स होती हैं। लेकिन अगर वो हमारा कंटिन्यूस स्लैब है, कंटिन्यू अराउंड उसके बहुत सारे और स्लैब्स हैं, तो उस केस में यहां पर चारों डायरेक्शन पे इसके बीम आती है। अब जब हम बात करते हैं कि इसके लॉन्गर स्पान में जब बीम आती है जो हमारा स्लैब है, तो इसमें जो लोडिंग का इफेक्ट है, जो हमारे UDL है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जब स्लैब के ऊपर आता है तब वो लोड किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है मैं आपको दिखाना चाहूंगा। वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है अपने शॉर्टर स्पान पर, कुछ इस तरह से, आपने देखा शॉर्टर स्पान में कुछ इस तरह से लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है प्रॉपरली अपने लॉन्गर बीम पर। अब ऐसा क्यों होता है शॉर्टर स्पान में, क्योंकि जब लोड लगेगा तो वो यही कोशिश करेगा कि मैं जितना जल्दी हो सके अपने सपोर्ट तक पहुंच जाऊं ताकि मैं स्लैब को किसी भी तरह का इफेक्ट ना पहुंचाऊं। तो वो क्या कोशिश करेगा, बहुत जल्दी से अपने लॉन्गर बीम पर यानी कि अपने सपोर्ट्स पर जाने की कोशिश करेगा। इसी वजह से जहां पर भी लोड ट्रैवल होता है, चाहे वो वन वे स्लैब हो चाहे वो टू वे स्लैब हो, मेन बार वहीं आती है जहां पर लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है या जहां पर लोड अपने सपोर्ट्स के तरफ जाने की कोशिश करता है, क्लियर इंजीनियर्स। तो दैट मींस कि जब हमारा लोड
अपने शॉर्टर स्पान पर ट्रेवल कर रहा है इस डायरेक्शन पे, जो कि है 2 मीटर का डायरेक्शन। क्लियर है? तो यहां पर हमारी मेन बार कहां पर आएगी? अलोंग शॉर्टर स्पान, यानी कि ये हमारा शॉर्टर स्पान हो गया। तो शॉर्टर स्पान के अलोंग इस तरह से पूरी की पूरी हमारी मेन बार लगेगी वन वे स्लैब के केस में। जैसे कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई, अभी मेन बार कहां लगने वाली है, अब हम बात करते हैं कि क्रैंक क्यों दिया जाता है, इस क्रैंक देने का पर्पस क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपके लिए जानना, बहुत सारे कंफ्यूजन्स रहते हैं इस पार्ट में, आज मैं उस पार्ट को आपको क्लियर करूंगा। सबसे पहले यहां पर देखिए क्रॉस सेक्शनल, यहां पर हमको एक डायग्राम मिल रहा है। क्लियर? यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि मेरे पूरे स्लैब पर एक लोड लगा है जो कि सपोर्टेड है अपने सपोर्ट से। क्लियर? बीम्स के थ्रू। अब जैसे इस पर लोड लगता है तो हमें सबको पता है कि यहां पर एक न्यूट्रल एक्सिस लाए करता है। यहां ब्लू वाली मार्किंग से देख सकते हैं इसका न्यूट्रल एक्सिस है सेंट्रल पार्ट में। अब हमें पता है न्यूट्रल एक्सिस के जो ऊपर वाला जोन होता है वहां पर सेंट्रल पर एक कंप्रेशन जोन और नीचे टेंशन जोन। क्लियर इंजीनियर्स? अब मैं आपको एक पार्ट बताऊं कि कोई भी एक चीज है, क्लियर, कोई भी एक पार्ट है, अगर उस पर मैं ऊपर से लोड लगाऊंगा तो ये बेंड होगा, तो ये कुछ नीचे की तरफ बेंड होगा। जब ये नीचे की तरफ बेंड होगा तो यहां पर जो टेंशन जनरेट होगा इस सेंट्रल पार्ट पर वो नीचे से होगा। तो दैट मींस हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि कॉन्क्रीट स्ट्रांग होता है कंप्रेशन में लेकिन वीक कहां होता है? टेंशन पे। तो जहां पर टेंशन डेवलप होता है हमें वहां पर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना होता है ताकि हम उस पार्ट को स्ट्रांग बना पाए, उस आरसीसी मेंबर की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ही हम इस टेंशन पार्ट पर स्टील को प्रोवाइड करते हैं, रेनफोर्समेंट को प्रोवाइड करते हैं। तो इसका मतलब कि जो हमारा सेंट्रल पार्ट होगा स्लैब का, क्लियर, अभी मैं सिर्फ सेंट्रल पार्ट की बात कर रहा हूं, आप यहां पर देख रहे होंगे कि सेंट्रल पार्ट में केवल सिंगल मैश है जो कि नीचे की तरफ आया है पूरा, लेकिन जैसे सपोर्ट्स पे आता है वहां क्रैंक चढ़ के बार सुपर हो जाती है, उसी का पर्पस मैं अभी आपको क्लियर कर रहा हूं। सिमिलरली जैसे ही ये वाला जो हमारा सेंट्रल पार्ट है इसमें कंप्रेशन ऊपर की तरफ आ रहा है तो वहां कंप्रेशन कॉन्क्रीट स्ट्रांग है, वहां पर बार्स की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही न्यूट्रल एक्सिस के नीचे पहुंचते तो यहां पर टेंशन है। यहां पर कौन सा मूवमेंट जनरेट होता है? पॉजिटिव मूवमेंट जनरेट होता है। तो उस पर्पस से यहां पर जो नीचे रेनफोर्समेंट चाहिए हमको, क्यों? क्योंकि टेंशन को रजिस्ट करना है सेंट्रल पार्ट पर, इसी वजह से सेंट्रल में ऊपर रेनफोर्समेंट नहीं होता, सिर्फ नीचे तरफ रेनफोर्समेंट होता है। लेकिन जैसे ही लोड अपने सपोर्ट्स की तरफ ट्रैवल करता है, जैसे ही वो अपने सपोर्ट्स की तरफ ट्रैवल कर रहा होता है तो वहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें देखने का वो ये है, आप देख रहे हैं जैसे ही ये स्लैब नीचे जा रहा है लेकिन अपने सपोर्ट से उठने की कोशिश कर रहा है, ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, तो क्या होता है? सपोर्ट्स में नेगेटिव मूवमेंट जनरेट होता है, सेंटर पे पॉजिटिव लेकिन सपोर्ट्स में उल्टा। क्लियर? क्योंकि सेंटर से नीचे जा रहा है लेकिन सपोर्ट से कहां आ रहा है? अपने ऊपर की तरफ निकल रहा है। क्लियर इंजीनियर्स? तो इस पार्ट को, ये जो नेगेटिव मूवमेंट है इसको रजिस्ट करना है, क्योंकि अभी सेंटर पे पॉजिटिव मूवमेंट नीचे था इसलिए नीचे टेंशन जोन आ रहा था, हमको नीचे सपोर्ट करना था मूवमेंट को रजिस्ट करने के लिए। सिमिलरली यहां पर पॉजिटिव मूवमेंट आ रहा है तो अब हमको बार को ऊपर ले जाना होगा क्योंकि अभी नेगेटिव मूवमेंट को रजिस्ट करेगा जो कि ऊपर की तरफ आ रहा है। क्लियर? यहां पर भी बार को हमको ऊपर लाना पड़ेगा इस नेगेटिव मूवमेंट को रजिस्ट करने के लिए। तो इसी वजह से यहां पर जो हम क्रैंक प्रोवाइड करते हैं वो इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि ये बार अपने सपोर्ट से आ रही है पूरी नीचे के थ्रू, जैसे यहां पर नेगेटिव मूवमेंट को रजिस्ट करने की बात आई तो एक क्रैंक चढ़ के ऊपर आया, फिर ये ऊपर से नेगेटिव मूवमेंट को रजिस्ट करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो इस पार्ट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सिमिलरली इस पार्ट में भी जब बार यहां से लग के आ रही है पूरी इस तरह से, अब इस पोर्शन से क्रैंक हुआ, क्रैंक होके ऊपर आया और ऊपर आने के बाद फिर से उसने इस नेगेटिव मूवमेंट को रजिस्ट किया। तो हम जो इंडियन पैटर्न है बार लगाने का वो कैसा है? अल्टरनेट क्रैंक पैटर्न पर हम बार लगाते हैं, अल्टरनेट क्रैंक में हम बार लगाते हैं। तो इस पर्पस से हम यहां पर क्रैंक चढ़ाते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव मूवमेंट को रजिस्ट करने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि सर इसी जोन से ही, ये जो जोन आपको दिख रहा है इस जोन से ही क्यों क्रैंक चढ़ाया? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, भाई जब हम इस जोन से भी तो चढ़ा सकते थे, इस जोन से भी चढ़ा सकते थे, तो इसी जगह से क्यों चढ़ाया?
यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमें ध्यान रखना है कि जहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव मूवमेंट चेंज होता है न्यूट्रल एक्सिस पे, वो हमारा क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सुरल। क्लियर, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सुरल वो हमारा कहलाता है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सुरल। क्लियर इंजीनियर्स, तो उस पार्ट को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सुरल जहां पर आता है उसी जगह से ही हमारा क्रैंक चेंज होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमको समझना है। क्लियर है, तो जैसे हमको पता चला कि क्रैंक बार क्यों देते हैं, इसका पर्पस समझ में आया और यहां से क्यों क्रैंक बार दिया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अभी हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हो, हम ये समझते हैं और ये जानते हैं कि जो हमारा कंप्लीटली बीबीएस का पार्ट है उसमें कितने सारी चीजों को हमको कवर करना होता है। तो अब हम आगे चलते हुए इस चीज को समझते हैं कि क्या क्या सारी चीजें हमको पढ़नी होती हैं। सबसे पहले हमको बीबीएस को अंडरस्टैंड करना है, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है बीबीएस का, बीबीएस क्यों किया जाता है, उसके कुछ टर्मिनोलॉजी स्पेसिफिकेशन को समझना है, आईएएस कोर्स के अंडरस्टैंडिंग को समझना है। उसके बाद जब हम बिल्डिंग के कॉम्पोनेंट्स पे आते हैं तो उसमें सबसे पहला पास बीबीएस ऑफ स्टीरअप हमको समझना है, बीबीएस ऑफ फुटिंग, बीबीएस ऑफ कॉलम, बीबीएस ऑफ बीम, BBS of one way slab, bar bending schedule of two way slab, BBS of staircase, BBS of छज्जा, BBS of pipe। एक पूरे building structure में किस तरह से पूरा का पूरा BBS हम जो cover करते हैं हमारे corporate training course में, जो civil गुरुजी का corporate training course है जिसमें हम आपको detail पे completely calculation के साथ with Excel पूरा का पूरा आपको बार बेंडिंग शेड्यूल कैलकुलेट करना सिखाते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग देते हैं। जिस तरह से अभी आपने समझा कि हमको जो डिफरेंशिएट लाना है वो किस में लाना है, भाई एक साइट पे सुपरवाइजर लेबर भी बार कटवा के लगवा देते हैं, उनको बस आपको ड्राइंग दे दो, लेकिन वो बार क्यों लगी है उसका पर्पस समझना, स्टैंडर्ड्स को समझना, ये आपको डिफरेंशिएट करता है, ये आपको एक रियल सिविल इंजीनियर का जो नॉलेज है वो प्रोवाइड करता है। ये सारी चीजें हम कंप्लीटली हमारे कोर्स में कवर करते ही हैं, पूरा का पूरा पार्ट विथ एक्सेल, ताकि आपको हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी बनाया जाए। आगे बढ़ते हैं हमारे जो ट्रेनिंग है उसमें, यहां पर आपको एक स्लैब दिख रहा है। क्लियर, यहां पर आज हम डिटेलिंग पे समझेंगे कि कैसे रेनफोर्समेंट को प्लेस करना है, किस तरह से रेनफोर्समेंट प्लेस होता है एक वन वे स्लैब में। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो सबसे पहले हमारा लगेगा क्या, सेंटरिंग, सबसे पहले हमारी सेंटरिंग लगेगी। सेंटरिंग के बाद क्या होगा, हम बीम चढ़ाएंगे, चारों डायरेक्शन पर बीम चढ़ाएंगे हमारी। बीम चढ़ाने के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो है स्लैब के रेनफोर्समेंट को प्लेस करना, सबसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी स्पेसिंग गिवन होगी हमारी, स्पेसिंग में हम क्या करेंगे, सबसे पहले मार्किंग करेंगे, इस तरह से पूरी मार्किंग करेंगे, जो भी हमारी स्पेसिंग गिवन है उसके हिसाब से पूरी मार्किंग करते जाएंगे। सिमिलरली इस पार्ट पे भी ऐसे मार्किंग करेंगे हम, हमारी सेंटरिंग के ऊपर। क्लियर, पूरी मार्किंग करने के बाद दोनों डायरेक्शन में, यहां भी मार्किंग होगा, यहां भी मार्किंग होगा, ताकि बार स्ट्रेट लगे सेंटरिंग में। सिमिलरली यहां भी मार्किंग होगी और उस पोर्शन पे भी मार्किंग होगी, ताकि सेंटरिंग के बाद जो हमारा रेनफोर्समेंट लगने वाला है वो एकदम स्ट्रेट लगे। नेक्स्ट पार्ट जो आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, हमेशा और हमेशा सबसे पहला बार, चाहे वो वन वे स्लैब हो चाहे वो टू वे स्लैब हो, हमेशा सबसे पहला बार लगेगा अलोंग शॉर्टर डायरेक्शन ही। हमेशा जो स्लैब का शॉर्टर स्पान होगा उसमें ही सबसे पहली बार प्लेस होगी। तो हमारा शॉर्टर स्पान, ये शॉर्टर स्पान है हमारा। तो यहां पर देखिए, जो सबसे पहली रेनफोर्समेंट जो नीचे लगी हुई है वो आप देख सकते हैं, क्रैंक बार इस तरह से लगी हुई है। सिमिलरली ये क्रैंक बार लगी हुई है। अब ये क्रैंक बार देखिए अल्टरनेट पैटर्न पे लगी हुई है। अब मैं इसकी नेमिंग देता हूं, देखिए ये हमारी फर्स्ट बार हो गई जो इस तरह से क्रैंक हो गई है, देखिए नीचे आई है। सिमिलरली जस्ट जो उसके बाजू वाली बार है ये हमारी सेकंड बार, ये देखिए ये यहां पर क्रैंक हुई है, अब यहां पर नीचे गई। अब जो उसके जस्ट बगल वाली बार है हमारी थर्ड बार, अभी यहां क्रैंक होके यहां से नीचे से गई, ये अल्टरनेट क्रैंक चलेगा। एक क्रैंक इधर है तो एक क्रैंक यहां, फिर सेम एक क्रैंक यहां है तो चौथा क्रैंक इधर, फिर एक पांचवा क्रैंक यहां, छठवा क्रैंक इधर, सातवा क्रैंक इस तरफ, आठवा क्रैंक यहां। तो इस तरह से हमारी पूरी की पूरी बार पूरे स्लैब के शॉर्टर स्पान के अलोंग सबसे पहले बिछने वाली है। क्लियर, सबसे पहले बिछने वाली बार है ये हमारी मेन बार। क्लियर, ये कौन सी बार हो गई, हमारी मेन बार। क्लियर इंजीनियर्स, ये हमारी कौन सी हो गई, मेन बार, जो कि हम लगाते हैं अल्टरनेट क्रैंक।
क्लियर, ये हमारी अल्टरनेट क्रैंक हम यहां पर लगाते हैं। नेक्स्ट अब जो बार प्लेस होती है मेन बार लगाने के बाद, वो होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बार, जिसको हम कहते हैं बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार। आप यहां पर देख सकते हैं बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार का क्या काम होता है, आप इस पूरे अलोंग देख सकते हैं स्पान के अलोंग की जो हमारी पहले से मेन बार लग चुकी है, अब उसको सपोर्ट करना है, आपस में उसके लोड डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब उसको सपोर्ट और आपस में लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वन वे स्लैब में जस्ट उसके ऊपर लगती है बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार। क्लियर है, ये पूरे स्पान के अलोंग लगेगी, पूरी यहां से लेकर इस स्पान के अलोंग पूरे में आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बार लगेगी। बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं, मैं इसकी भी नेमिंग कर दूं, यहां पर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के इस तरह से पूरे एंड तक गई है, पूरी की पूरी इस तरह से पूरी लॉन्ग डायरेक्शन में। ये अब हो गई हमारी सेकेंड टाइप की, कौन सी हो गई, बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार। अब नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा, सबसे पहले हमको इंपॉर्टेंट समझना है कि ये जो हमारी क्रैंक आई इस तरह से, सिमिलरली यहां से भी जो हमारी क्रैंक आई, इन क्रैंक को, ये मैं क्रॉस सेक्शन से कट करके दिखा रहा हूं आपको, इन क्रैंक को सपोर्ट करने के लिए देखिए इस तरह से बॉटम पे डिस्ट्रीब्यूशन बार तो आई गई, लेकिन अब आती है हमारी टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या है कि जो हमारा क्रैंक ऊपर चढ़ के आया है ना, इस पोर्शन पे भी क्रैंक ऊपर चढ़ के आया, सिमिलरली इस सपोर्ट के पोर्शन पे भी क्रैंक ऊपर चढ़ के आया, तो इन क्रैंक को सपोर्ट करने के लिए यहां पर सिर्फ क्रैंक लेंथ में ही, जितनी ये क्रैंक होके ऊपर गई है उस क्रैंक लेंथ में ही क्या लगती है हमारी टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार आती है। क्लियर इंजीनियर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार कहां पर आएगा, ये सिर्फ ये जो हमारा क्रैंक लेंथ है ना उसको सपोर्ट करेगा, सिर्फ और सिर्फ इतना। क्लियर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपको समझना। इसमें हमारी तीन टाइप की बार लग गई अभी तक। सबसे पहली अल्टरनेट क्रैंक पे मेन बार लग गई हमारी, सबसे पहली रेनफोर्समेंट बार, दूसरी रेनफोर्समेंट बार हमारी लग गई बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार, इस मेन बार को सपोर्ट करने के लिए और आपस में लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। नेक्स्ट हमारी बार लग गई टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार, किसको सपोर्ट करने के लिए, इस टॉप के क्रैंक को सपोर्ट करने के लिए हमारी लग गई यहां पर टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार। अब हमारी आखिरी और लास्ट बार लगती है स्लैब के केस में, जो कि है टॉप एक्स्ट्रा बार। क्लियर इंजीनियर्स, हमारी आएगी अब टॉप एक्स्ट्रा बार। अब ये टॉप एक्स्ट्रा बार का क्या पर्पस है और रीजन है, अब ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, यहां पर अभी टॉप एक्स्ट्रा बार लगना था या नहीं लगा, यहां पर हम देख रहे हैं, ये देखिए क्रैंक बार आई है। अब दो क्रैंक बार के बीच में हमारी स्पेसिंग तो डबल हो गई। जो ऊपर का पार्ट है, यहां पर मैं आपको दिखाऊं, हम एग्जांपल लेकर चलते हैं, ये मेरी पहली क्रैंक बार थी। क्लियर, अब जो दूसरी क्रैंक बार थी वो इधर थी, अब जो तीसरी जो क्रैंक होके आई वो इस डायरेक्शन पर ऊपर चढ़ी। तो जब यहां पर कौन सा मूवमेंट रजिस्ट हो रहा है, नेगेटिव मूवमेंट रजिस्ट कर रहे हैं ये लोग ऊपर आके। तो जब ये नेगेटिव मूवमेंट ऊपर वाले पार्ट पर ये लोग रजिस्ट कर रहे हैं दोनों बार, तो क्या हो गया, अब इन दोनों के बीच की स्पेसिंग तो डबल हो गई जो ऊपर चढ़ के क्रैंक आई है। अगर मैं मानूं कि ये जो दो बार है मेरी, इन दोनों के बीच की स्पेसिंग है 100 mm, क्लियर, तो जब मैं इन दो क्रैंक बार के बीच की स्पेसिंग की बात करूंगा जो एक ही डायरेक्शन पर है, वो कितनी हो जाएगी, 200 mm हो गया यहां पर। अब इस 200 mm में क्या होगा, यहां पर बीच का जो पोर्शन है वो खाली हो जाएगा, तो वहां पर लोड के वजह से फेलियर होने के चांसेस हो सकते हैं सपोर्ट में। इस वजह से जो इसकी स्पेसिंग है, इसको मेंटेन करने के लिए हम एक एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट से बाहर निकालते हुए सिर्फ। क्लियर है, यहां पर एक सपोर्ट, ये जो सपोर्ट है, फॉर एग्जांपल मैं यहां बीम से लेता हूं, ये हो गया हमारा 200 mm दो क्रैंक बार के बीच का स्पेसिंग। इससे यहां पर देखिए क्रैंक बार इस तरह से आएगा जो कि सिर्फ यहां तक लगेगा, ये होगा हमारा टॉप एक्स्ट्रा बार। क्लियर है, तो ये हो गया हमारा चौथा बार टॉप एक्स्ट्रा, जो कि सिर्फ इन दोनों के बीच की स्पेसिंग को कवर अप करने के लिए, क्योंकि स्पेसिंग हमारी 100 mm की बन है, यहां पर एक क्रैंक चढ़ गया तो दोनों की स्पेसिंग डबल हो गई, क्योंकि क्रैंक बार ऊपर आएगी तो ऑल्टरनेट हो गए, तो इस वजह से यहां पर हमको सेंटर पर
एक टॉप एक्स्ट्रा बार देना होता है ताकि इक्वी डिस्टेंस हमारी बार की पोजिशनिंग हो और ये प्रॉपरली इस नेगेटिव मूवमेंट को रजिस्ट कर पाए, क्योंकि सपोर्ट्स पर ही हमको ज़्यादा एक्स्ट्रा बार लाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब सपोर्ट स्ट्रांग होंगे तभी हमारा जो सेंट्रल पार्ट है वो स्ट्रांग होगा। अगर वो सेंट्रल पार्ट पर कितना भी लोड आ जाए, हमारा सपोर्ट्स अगर स्ट्रांग है तो वो उसको फेल होने नहीं देगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है। इस तरह से रिइंफोर्समेंट बार की प्लेसिंग और पोजिशनिंग होती है, जो आज के हमारे वीडियो का मेन थीम था और मेन टॉपिक था कि मैं आपको समझा पाऊँ पूरा का पूरा कि किस तरह से रिइंफोर्समेंट की प्लेसिंग होती है, किस तरह से रिइंफोर्समेंट की पोजिशनिंग होती है हमारे वन वे स्लैब में। तो आइए कुछ एक एनिमेशन के थ्रू हम और जान लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए हमारा 2 मीटर का स्लैब है, 5 मीटर का, यहाँ एनिमेशन के थ्रू आप देखिए ऑल्टरनेट क्रैंक बार लगना चालू हो रहा है। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं ऑल्टरनेट, एक क्रैंक इधर तो एक क्रैंक इधर, ये ऑल्टरनेट बार लग रहे हैं ना। अब क्लियरली देखिए, मैंने आपके लिए पूरा एनिमेशन बनाया ताकि आपको एकदम इजीली समझ में आए। सबसे पहली बार हमारी लग गई ऑल्टरनेट क्रैंक बार। अब इसके बाद जैसी क्रैंक बार कंप्लीट होती, अब आती है हमारी देखिए बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार। देखिए पूरे जो हमारा स्पान लेंथ है उसके अलॉन्ग लगेगी स्ट्रेट स्ट्रेट। अभी कौन से डायरेक्शन पे लग रही, 5 मीटर के डायरेक्शन पर, क्लियर है। नेक्स्ट जो इसके बाद जो हमारी बार आती है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार, जो कि सिर्फ एक क्रैंक हाइट को सपोर्ट करने के लिए लगेगी। आप देख सकते हैं सिर्फ एक क्रैंक हाइट तक लगी। सिमिलरली यहां पर भी है क्रैंक की हाइट को सपोर्ट करने के लिए लगेगी। इसके बाद जो हमारी बार लगेगी वो दो क्रैंक, ये दो रेड क्रैंक बार के बीच को सपोर्ट करने के लिए टॉप एक्स्ट्रा। सिमिलरली उस साइड भी जो हमारा दो ब्लू बार है उसके बीच में स्पेसिंग डबल हो गया, तो उसको सपोर्ट करने के लिए यहां पर आएगी हमारी सेम टॉप एक्स्ट्रा बार। तो यहां पर हमारी अलग अलग तरह की बार लगी। यहां पर मैंने आपको एक एनिमेशन के थ्रू भी समझाया प्रॉपरली कि कैसे बार की पोजिशनिंग और प्लेसिंग होती है। कुछ जो डाटा अवेलेबल है हमको जो वन वे स्लैब के केस में जानना होता है, जो फॉर्मूला हमने पहले ही पढ़ा, लॉन्गर स्पान अपॉन शॉर्टर स्पान शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। लोड ट्रेवल्स अलॉन्ग शॉर्टर स्पान, हमेशा टू वे स्लैब में शॉर्टर स्पान जो कि 2 मीटर है यहीं पर ही लोड ट्रेवल होता है इस डायरेक्शन पर, तो जिस डायरेक्शन पर लोड ट्रेवल होगा वहीं पर ही मेन बार लगेगी। मेन बार इज अलॉन्ग शॉर्टर स्पान, हमेशा शॉर्टर स्पान में ही हमारी मेन बार आती है। नेक्स्ट सपोर्टेड बाय टू साइड्स, जो हमारा वन वे स्लैब है उसमें मैक्सिमम सपोर्ट 2 साइड, क्लियर, और उससे भी ज्यादा अगर वो कंटिन्यूस स्लैब है तो उसमें चारों तरफ सपोर्ट हमारा लग सकता है। नेक्स्ट सपोर्टेड बाय ऑल साइड्स इन कंटिन्यूस स्लैब, अगर एक कंटिन्यूस स्लैब होता है तभी यहां पर अलग अलग हर डायरेक्शन से सपोर्ट्स आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है डाया ऑफ मेन बार, जो कि हमको समझना है 8 #@200 सेंटर टू सेंटर। यहां पर जो हमने समझा 8 डायमीटर का जो हमारा रिइंफोर्समेंट बार लगा है कितने के स्पेसिंग में, 200 के स्पेसिंग में। सेम डाया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार 8 #@200 सेंटर टू सेंटर, 8 mm का डाया का बार है हमारा 200 सेंटर टू सेंटर। यहां पर हमको ये पार्ट समझना है कि जो इसका डाया है, डाया ऑफ बार है, वो एकदम सेम भी हो सकता है, क्लियर। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर मेन बार का डाया ज्यादा है और डिस्ट्रीब्यूशन बार का भी डाया ज्यादा होना चाहिए, दोनों का सेम हो सकता है। मेन बार का डाया ऑब्वियसली ग्रेटर होता है हमेशा और सेम होता है आपके डिस्ट्रीब्यूशन बार के डाया से। नेक्स्ट पार्ट है स्लैब थिकनेस, जो कि है 125 mm, हमारा जो स्टैंडर्ड स्लैब का थिकनेस है वो है 125 mm, हमको लेना और समझना होता है। ये पूरा कंप्लीटली पार्ट है इंजीनियर्स, जो हमने प्लेसिंग समझा। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स के बारे में डिटेल्स चाहिए कि हम पूरा किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है, कटिंग लेंथ कैलकुलेट किया जाता है, एक्सेल पे कैसे बनाया जाता है, तो आप कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर पर 9111001234। आप हमारा एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं सिविल गुरुजी, हमारे वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.civilguruji.com। आपको सारी डिटेल्स जो भी जानकारी आपको कॉन्टैक्ट करके आपको पता चलती जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में जो मैं आपके लिए टॉपिक लेने वाला हूं वो है बीम, कंटिन्यूस बीम को किस तरह से सॉल्व करते हैं, उसका BBS कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए उसी टॉपिक से लेकर आने वाला हूं। दोस्तों होपफुली आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आएगा, तो इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा, इस वीडियो को शेयर करिए ताकि बहुत सारे लोगों तक ये यूजफुल इंफॉर्मेशन पहुंच सके। और अगर इंजीनियर्स 10,000 व्यूज से ज्यादा होते हैं तो मैं आपके लिए BBS का कटिंग लेंथ भी लेके आऊंगा पूरे के पूरे वन वे स्लैब का, कि कटिंग लेंथ किस तरह से निकाला जाता है, किस तरह से उसको परफॉर्म किया जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।